स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी देखे थे और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने भी थे। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का उसका सोल्यूशन, एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन। लेकिन पहला जो इसका क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ये 2, 5, 2, 35, 5 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है किसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका। तो देखिए ऑर्डर क्या है, तो देखिए ऑर्डर हमने इसमें पहले बताया था आपको, किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो जो होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है ना, चार इसके फोर्थ कॉलम में थ्री रोज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 4 ही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, बस में तो देखिए ये हमारा फर्स्ट है। इसमें सब पूछ रहे नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि अवयवों की संख्या क्या होती है, कि इसी ऑर्डर का जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 × 3 = 12, यानी 12 ही जो है ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे। क्लियर है। थर्ड पूछा है इसमें एलिमेंट बताने हैं, अलग अलग हमें एलिमेंट्स बताने हैं, क्या क्या बताने हैं। देखिए A13, A21, A33, A24, A23 ये बनाने हैं, एलिमेंट बनाने हैं। तो आप पढ़ेंगे इसके एड्रेस, एलिमेंट्स के एड्रेस पढ़ेंगे, क्या A13 क्या होता है, A21 क्या होता है, 33 क्या होता है, 24 क्या होता है, 23 क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो वो कितना है, सेकेंड है, और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो क्या ये है, कॉलम फर्स्ट देखिए तो फर्स्ट कॉलम है ना, 35 हो जाएगा। 3, 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये है हमारा -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो कॉलम कौन सा, फोर्थ यानी कि 12। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, रो सेकेंड है, कॉलम कौन सा है, थर्ड है, यानी कि 5/2। ये हो जाएगा हमारा इसके एलिमेंट्स। इससे जो भी एलिमेंट पूछते हैं हम बता सकते हैं, जो एलिमेंट पूछेगा A11, A12, A13, A22 जो पूछेगा हमें बता सकते हैं। बस कुछ आपको याद नहीं करना है, बस इसके रो और कॉलम को आपको याद रखना है, तुरंत आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन भी। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कि अगर एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स। तो आपको बताना है कि अगर उसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो आपको बताना है कि उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, उसके कोटि क्या क्या हो सकती है। जैसे देखिए ये 12 एलिमेंट है हमारे, तो ये कोई जरूरी नहीं कि यही एलिमेंट है, जैसे इसका ऑर्डर हम देखें 3 × 4 है, तो जरूरी है कि 3 × 4 का ऑर्डर ही होगा, इसके बहुत सारे ऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहां पर देखिए 24 एलिमेंट है, तो क्या बन सकता है, एक 1 × 24 का ऑर्डर बन सकता है, 1 रो हो 24 कॉलम हो, ऐसे 1, 2 ऐसे ऑर्डर करते करते कॉमन एलिमेंट 24 ऐसे 1, 2, 24 यानी कि एक ही रो है ना, कॉलम कितने हैं 24 ऐसे कॉलम हो जाएंगे। एक ऑर्डर ऐसे बन सकता है, एक ऑर्डर ऐसे बन सकता है 2 × 12 का, इसे ध्यान दीजिए। आप नंबर लिखते जाइए 1 और मल्टीप्लाई में देखिए 1 के साथ तो सारा बन जाएगा, 2 के साथ देखिए मल्टीप्लाई में अगर वो नंबर आ जाता है तब तो ऑर्डर बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। जैसे 2 × 12 = 24 हो जाएगा, ऑर्डर बन गया। 3 करेंगे 3 × 4 ऑर्डर बन जाएगा, 4 × 3 करेंगे 12 ऑर्डर बन जाएगा, 5 के साथ नहीं बनेगा, 5 के मल्टीप्लाई में 12 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 करेंगे ऑर्डर बन जाएगा, 7 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, 7, 8 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 × 8 का, सॉरी ये 3 × 8 रहेगा, 8 × 3 = 24। ठीक है, और 4 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और सॉरी हम 12 को बना रहे थे क्या, 4 × 6 = 24 और फिर क्या बन जाएगा, 6 × 4 का, 8 × 3 का, 12 × 2 का और फिर 24 × 1 का ऑर्डर हमारा बन जाएगा।
इतनी आर्डर हमारे बनेंगे, इतनी आर्डर के हमारी मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, इसी में देखिए क्वेश्चन और बोल रहा है कि अगर उसमें मान लीजिए 13 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, तब ऑर्डर क्या होगा। तो 13 एलिमेंट के लिए देखिए 1 × 13 होगा और दूसरा क्या होगा, 13 × 1 ही होगा, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर होने के साथ साथ जो है ये एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, जो कि खुद अपने आप से कटेंगे, किसी और से कटने वाला नहीं है ये, तो बस 1 × 13 और 13 × 1 ही बनेगा। क्लियर है, बस इसके दो ही हमारे बनेंगे। क्लियर है, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कह रहा है यदि किसी एलिमेंट में 18 यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट है, 18 18 एलिमेंट्स है, कह रहा है कि किसी एलिमेंट में 18 किसी अवयव 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके संभव कोटियां क्या क्या हैं। और तो ये 18 है तो आप इसको बना सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन जैसा है 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 2 × 9 हो जाएगा, और फिर 4 से बनेगा नहीं, 5 से नहीं बनेगा, 6 × 3 = 18, 6 × 3 हो जाएगा, ऐसे ऑर्डर बना लेंगे। फिर बोल रहा है कि 5 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, तो 5 क्या है, ऑड है, और प्राइम नंबर तो 1 × 5, 5 × 1 बन जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट, तो सेकंड कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें बता रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 2 × 2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसमें a = small aij है, से आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 2 ऑर्डर का, और इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि aij = i + j² / 2 आपको बनाना है 2 × 2 ऑर्डर का। देखिए 2 × 2 ऑर्डर का बनाना है तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए, जैसे a = इसके एलिमेंट्स को लिख लीजिए, क्या क्या बनेंगे, a11, a12, a21, a22 ये बनेंगे, बनेंगे ना, इसमें 2 रो हैं और 2 क्या है, कॉलम भी है, ऐसे बनेंगे। आपको अब यही फाइंड करना है, यही एलिमेंट सबको फाइंड करना है, a11, a12, a21, a22 फाइंड करना है। तो a11 फाइंड अगर करना है हमें, a11 फाइंड करना है तो इसी में जो आपको दिया हुआ है, मतलब aij का जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, i + j² / 2 i + j² / 2 दिया हुआ है, अब इसी में हम वैल्यू को रखेंगे a11 का मतलब क्या, i1 j1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1² / 2 1 कितना हो जाएगा 2 × 2² = 4/2 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, फिर क्या निकालेंगे a12 a21 a22 a12 क्या हो जाएगा तो 1 + 2² / 2 देखिए वही हम लिख रहे हैं, केवल i और j का मान लिख रहे हैं, जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं वही वैल्यू इधर भी चेंज कर रहे हैं, i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, तो इधर भी i के जगह पे 1, j के जगह पे 1 रखेंगे। a21 निकालना है, a12 निकालना है, तो i के जगह पे 1, j के जगह पे 2, वही मान यहां भी रखेंगे, i पे 1, j पे 2, 2 × 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2, ये नहीं कटेगा, रन देंगे, 2 × 1 निकालना है तो i का मान 2 रखेंगे, 2, j का मान 1 रखेंगे, होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 ये भी आ जाएगा, 2 × 2 निकालेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 × 2 = 16/2, यानी कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये बन जाएंगे। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आ जाएगा 2 9/2 9/2 8, ये हमारे आंसर जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स क्या हो गया, बन गया मेरा। क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जांपल भी समझाया था हमने, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि आपको 3 × 4 ऑर्डर का मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसमें जो है
इसमें जो है ए आई जी दिया हुआ है मॉड ऑफ 1/2 माइनस 3i प्लस z ये दिया हुआ है। तो सेम अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड फोर्थ देखा है वैसे ही करना है, बस हमें 3x4 ऑर्डर करना है, बस तीन रो चार कॉलम ऐसे मान लेंगे ऐसे A11, A12, A13, A14, फोर क्या हो गए कॉलम हो गए ठीक है A21, A23, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 ठीक है। तो तीन रो हो गए, अब चार हमारे कॉलम हो गए कि नहीं हो गए, ये हमें निकालना है ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेंगे A11 रख लेंगे, 1 मतलब क्या 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 1 ठीक है, मॉड बना हुआ है, मॉड किससे जो बाहर वैल्यू आता है हमेशा क्या बनता है पॉजिटिव वैल्यू ही बनता है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 मॉड माइनस 2 बाहर आएगा तो प्लस 2/2 यानी कि 1 होता है क्लियर है। अब देखिए इसी तरह से A12 फाइंड कर लेंगे, A13, A14 ऐसे फाइंड कर लेंगे ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग A12 निकालेंगे, A12 A12 जो है i के जगह पे 1 रख देंगे, j के जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ रख देंगे -3 × 1 + 2 ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे ठीक है। तो ये मान रख देंगे निकल जाएगा और सारा मान रख करके हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, जैसे कि हमने एक क्यों रो फाइंड कर दिया है, बाकी आप ये फाइंड कर सकते हैं आसान है, वैल्यू करके निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे तो 1 1/2 0 1/2 जाएगा, इसी तरह जो ये आएंगे इसको आप रख करके निकाल लेंगे, फाइंड करके यहाँ रख देंगे क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमारे देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इक्वलिटी का क्वेश्चन है, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4 3 x 5 = y z 1 5। तो ऐसे क्वेश्चन बताया था हमने इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, देखिए ऑर्डर सेम है ना 2×2 का 2×2 का ऑर्डर सेम हो और साथ साथ कि इसके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, एलिमेंट भी इक्वल कर देंगे 4 = y, y की वैल्यू 4, 3 = z, z की वैल्यू 3, x = 1, x की वैल्यू 1 और 5 इक्वल ही है, तो हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो गए फाइंड हो गए ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, ऐसे हम सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सेकंड दिया हुआ है x + y 2 5 + z x y (6 2 5 8). इसमें जब कंपेरिजन करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6, जेड की वैल्यू हो जाएगी 2, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 8। अब ये भी करेंगे 5 + z, अच्छा 2 है 5 + z = 5 ठीक है। अब देखिए यहां से जेड का मान निकाल सकते हैं हम लोग, जेड की 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 5, जेड की वैल्यू हो जाएगा 0, में 5 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, जाके 0 हो जाएगा। और इसी तरह एक्स वाई की वैल्यू 8 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है, यानी कैसा दो नंबर निकालना हमें कि जोड़ने पे 6 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, तो 4 और 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 4 × 2 = 6 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा क्लियर है। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए ऐसे ही y = 6 - 6, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे क्लियर है। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन इसके दिया हुआ है ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है सॉरी थर्ड नहीं x + y + z = 9, x + z = 5,
वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन और आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड। तो सेम ऐसे ही करेंगे, इसको भी हम लोग मेजर कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू नाइन, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, देखिए वाई प्लस जेड का मान दिया है सेवन, वाई प्लस जेड का मान जब यहां रख देंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए, टू मान लीजिए, थ्री मान लीजिए, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। y प्लस जेड का मान सेवन रख देंगे तो x प्लस सेवन इज टू नाइन, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। ठीक है, x प्लस जेड का मान रख देंगे फाइव, तो x प्लस जेड का मान फाइव, तो y की वैल्यू नाइन माइनस फाइव फोर हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेवन है, देखें सेवन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए माइनस बी, टू ए प्लस सी, टू ए माइनस बी, थ्री सी प्लस डी, और इसका टू दिया हुआ है माइनस वन, फाइव, जीरो, थर्टीन। इससे हमें एक्स ए बी सी डी के मान फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों पावर इक्वल सेम हमारे हैं, एलिमेंट्स को जब इक्वल करेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन। हमने कंपेरिजन कर दिया, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू टेन। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, इन चार ही क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें एबीसी डिफाइंड करना है। तो मान लीजिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ए और बी हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ए का मान जब यहां पर करेंगे सी मिल जाएगा, सी का मान लिखेंगे डी मिल जाएगा। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए बी और बी सेम है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर वन में थ्री को माइनस कर दें, वन में थ्री को माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कैसे, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव प्लस टू नेगेटिव ये कट, और ये कटेगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कटेगा, ए की वैल्यू वन आ गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई वन। अब इसी ए की वैल्यू हम समीकरण नंबर वन में पुट कर देंगे, बी फाइंड हो जाएगा, या इक्वेशन थर्ड में देंगे तो फाइंड हो जाएगा। तो बाई लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन वन, वन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, यानी कि बी इज इक्वल टू टू आ जाएगा। बी फाइंड हो गया, ए की वैल्यू यहां रख दीजिए सेकेंड में, सी फाइंड हो जाएगा, बाई टू ले लीजिए, टू इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव माइनस टू, यानी कि थ्री हो जाएगा, सी फाइंड हो गया। अब सी की वैल्यू आप रख दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर में, तो डी फाइंड हो जाएगा, तो थ्री इंटू थ्री प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, तो डी की वैल्यू थर्टीन माइनस नाइन, डी की वैल्यू हो जाएगा फोर। देखिए कितना मिल गया हमें, फोर मिल गया। इस तरह से हमने ए बी सी डी सारा क्या हो गया फाइंड कर लिया। क्लियर है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या था आपका सेवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है, समझिए क्वेश्चन नंबर एट में दिया हुआ है आपको कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, एम इज इक्वल टू एन, या नॉन ऑफ दिस पूछ रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और एकदम आसानी से आप इसको बता सकते हैं। देखिए क्या आपको याद होगा, हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप डेफिनेशन में देखे होंगे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर नाइन ऐसे दिया हुआ है, थ्री एक्स प्लस सेवन, वाई प्लस वन, फाइव, टू माइनस थ्री एक्स, जीरो, वाई माइनस टू,
8 4। इसमें से पूछ रहा है कि दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ x के वैल्यू y के वैल्यू में, ऑप्शन दिया हुआ कौन सा होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग इसका कंपेरिजन करेंगे, 3x + 10 = 0, ठीक है। जहां से x का मान फाइंड कर सकते हैं, 3x = कितना हो जाएगा -7, तो x के वैल्यू हो जाएगी -7/3, ठीक है। दूसरा कंपेरिजन करेंगे, 5 = y - 2, तो को जब उधर लाएंगे तो 5 + 2 = y, तो y की वैल्यू, ओ सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्ग नहीं है, सही है, इसको हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच में इक्वेशन इक्वल नहीं दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, कॉमा करके दिया हुआ है, तो हम कॉमा जो इसका कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमारे क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉट पॉसिबल वैल्यू, नॉट पॉसिबल, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये इक्वल होता तो हम कंपेरिजन कर सकते, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, फर्स्ट फर्स्ट इक्वल, सेकंड सेकंड इक्वल, लेकिन ये इक्वल टू ना देकर के ऐसे दिया हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या कर रहा है, फाइंड करना हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, किसका है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, कह रहा है कि ऐसे कितने ऐसे आप कितने हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें केवल 0 या तो 1 होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं हम लोग, जिसमें 0 और केवल 1 दो ही एलिमेंट हमें रखने हैं, 0 रखना है या तो 1 रखना है, और ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3x3 का दिया हुआ है, 3x3 मतलब कितने एलिमेंट्स बनेंगे हमारे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे, कितने एलिमेंट बनेंगे, 9 एलिमेंट्स। अब देखिए थोड़ा समझिए, आपको क्या बनाने हैं, ऐसे या तो सारा 0 हो जाए या कोई एक 0 0 यहां पे बन हो जाए, ऐसे ऐसे देखिए, या तो ऐसे बनाते 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे करके हमें केवल 1 और 0 को लेकर ही ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं एक रूल, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक रूल फॉलो करेंगे, कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे एक रूल फॉलो करेंगे, कितने एलिमेंट्स हमें रखने हैं, 2 केवल, 0 और 1, यानी कि 2 हो गया, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 3x3 का है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3x3 यहां पावर में रख देंगे, उतने बनेंगे हमारे, जितने हमारे वैल्यू को इंक्लूड करना होगा उतना पावर ऑर्डर उसका, जैसे अगर कहता है 0 1 2, तो 3 एलिमेंट ऐड करने हैं तो 3 पावर लिखना पड़ता हमें, समझ नहीं आया, जितना हमें ऑर्डर इंक्लूड करना है वो पावर ऑर्डर, तो पावर में ऑर्डर करते हैं, 3x3 क्या हो जाएगा, 9 2 पावर 9, और 2 पावर 9 हो जाएगा 512, यानी कि हमारे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 512 ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन फॉलो करेगा, क्लियर है। ये था हमारा एक्सरसाइज मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, बिल्कुल आसान टॉपिक है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का अगला जो कंडीशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, और उनका डिवाइड, डिवाइड जैसे पॉसिबल नहीं होता है तो हम इसलिए उसका जो है हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।